लिनार्ड मिल्कन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोलिटिक इफेक्ट, लिनार्ड मिल्कन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोलिटिक इफेक्ट। तो टू स्टडी इन डिटेल अबाउट फोटोलिटिक इफेक्ट, लिनार्ड एंड मिल्कन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाउ फोटोलिटिक करेंट या फोटोलिटन्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और नेचर ऑफ मेटल्स, मेटलिक प्लेट्स, इस सब के बारे में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल है देखता है वो उसे क्या कहते हैं, लाज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका ये अरेंजमेंट दिखाया गया, सेटअप दिखाया गया। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट डन बाय लेनार्ड मिल्कन इस शोन हियर। इसमें देखिए क्या है, बताइए, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है इन्होंने दो प्लेटें लिया, दो जिंक प्लेट लिया, एक प्लेट की और एक प्लेट की। ठीक है, यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक क्वाड विंडो लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्वाड विंडो, इस क्वाड विंडो को जब ओपन करेंगे तो इस पर क्या होगी, लाइट गिरी गया कैथोड पियन, प्लेट पियन पर लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक, तो ये क्वाड विंडो है और देखिए प्लेट पी वन और प्लेट पी टू पर के बीच हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं बाय यूजिंग कम्यूटेटर। यहाँ एक कम्यूटेटर है टू वे की। ठीक है, कम्यूटेटर है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे एक प्लस की यहाँ पर एक यहाँ लेके है ना, तो जैसे इसमें प्लग लगा देंगे, इसमें प्लग लगा देंगे, अगर से प्लग लगा देंगे तो देखिए ये आपकी बैटरी है। क्या है, बैटरी है और यहाँ पर एक रियल स्टेट लोड है, ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर है। क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर, तो वोल्टेज को डिवाइड करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर, ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर। अब देखिए इधर क्या लो वोल्टेज है, इधर क्या हाई वोल्टेज ना, तो देखिए इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन जो है ये जो यहाँ से कनेक्ट है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कनेक्ट है तो हाई वोल्टेज पर, ये क्या ये पॉइंट क्या होगा, तो हाई वोल्टेज पर जैसे इसका रिलेशन यहाँ से करेगा। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिल जाएगा, इसको क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज, हाँ इस पॉइंट हाई वोल्टेज मिल जाएगा। है ना, इस पॉइंट इस तरह है। हाँ देखिए, तो देखिए ये हाई वोल्टेज पर है तो इस इसके थ्रू जो है यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाएगा। है ना, ठीक है, और अब इसका रिलेशन कहाँ से होगा, इसका रिलेशन आप कर रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से प्लेट पी टू, ये जो प्लेट पी टू, ठीक है, ये प्लेट पी टू हो गया है। तब ये जब ये वोल्टेज है प्लेट पी टू मिल जाएगा है, और इधर क्या लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर होगी, ये प्लेट पी वन पर जाएगा, मैंने पी वन आपका लो वोल्टेज पर आ जाएगा, पी टू क्या होगा हाई वोल्टेज पर आ जाएगा। है ना, ठीक है, अब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया मैंने है, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है कितना वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया, प्लेट पी वन पी टू पी वन पे कितना वोल्ट अप्लाई है, ये वोल्ट मीटर से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक जो है पहले कोई वोल्टेज नहीं दिया, इसके बीच कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, उन्होंने सर्किट ऑफ कर दिया, यहाँ से जो है इसमें कोई प्लग की नहीं लगी, वन टू में कोई प्लग की नहीं लगे, टू टू में कोई प्लग की नहीं लगे, तो क्या होगा बताइए, पी वन पी टू को कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा ना। ठीक है, इन्होंने खाली क्या किया, इस पर लाइट दिया है, इस पर जो है क्वाड विंडो ओपन करके प्लेट पी वन पर लाइट दिया है इन्होंने, इधर देखो प्लेट पी वन पर इन्होंने लाइट दिया है, तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, करंट भर लेती है, यहाँ पर इन्होंने गैलोमीटर लगाया था, एक गैलोमीटर लगा हुआ इस जैसे क्वार विंडो को ओपन करते हैं इसके अंदर करंट भर लेती है, गैलोमीटर रीडिंग देने लगता है। ठीक है, गैलोमीटर पर रीडिंग शो होने लगती है, इसमें करंट भर लगती है, मतलब गैलोमीटर डिटेक्ट द इमरजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट ना। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए, हम क्वार विंडो ओपन कर रहे हैं और इसमें करंट बह रही है, इसमें करंट क्या हो रही है, वायरिंग, जबकि हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया है।
प्लेट पी1 पी2 के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं दिया है। और यहां पी1 पी2 के बीच क्या है, लार्ज वैक्यूम है, देयर इज अ लार्ज वैक्यूम बिटवीन प्लेट पी1 पी2। तो वैक्यूम इज दे वैक्यूम इज इंसुलेटर है, करंट कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम से करंट नहीं पास होगा। लेकिन तब फिर तो करंट मिल रहे ऐसा क्यों होते हैं, और सफिशियंट अमाउंट में करंट मिल रहे थे, तो इन्होंने जो है ग्राफ खींचा बिटवीन करंट और एंड वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज के जो ग्राफ खींचा। तो एक क्वेश्चन ऐसे ग्राफ में जब कोई वोल्टेज नहीं था तो उनको एक नेट फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलता है, इधर मैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट लिखा रहा हूं, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, और प्लेट प्लेट पी2 पर एक स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, ये यहां पर हमने प्लग की लगा दिया, हम प्लग की लगा दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडर से ये P1 को नेगेटिव वोल्टेज मिल गया क्योंकि ये लो वोल्टेज मिल गया ना, और P2 को पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल को जा रहा है। तो एक स्मॉल वोल्टेज लगेगा
टी इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिटार्ड, इलेक्ट्रॉन विलास्टिक क्या होगे कम होगे ना, ठीक है। जब विलास्टिक कम होगे तो क्या होंगे बताओ, अब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से पहुंच रहे थे अब उतने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, जब रिपेल हो रहे हैं तो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पी टू पर नहीं पहुंचेंगे, जब कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पी टू पर नहीं पहुंचेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी कम हो जाएगी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी अब इसके बाद कम हो जाएगी, इसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। और जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज में बढ़ते जाएंगे, हाँ ज्यादा से ज्यादा कटिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्टॉप धीरे धीरे से रिपेल होने लगेंगे, ठीक है। और एक सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज पर क्या होगा, एक सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज पर जो है इधर देखा कि कोई करंट नहीं मिलती, एक सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज क्या होता है कोई करंट नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पी टू पर नहीं पहुंच रहा है, इस वोल्टेज पर क्या होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पी टू पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वोल्टेज एटवेज नो करंट फ्लो इट इज सर्किट, वो क्या कहलाता है, ये नेगेटिव वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज कहलाता है, क्या कहलाता है कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज इसको कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये चीज हमने देखा, एक सर्टेन इंटेंसिटी की जब लाइट गिराते हैं तो हम अगर कोई वोल्टेज नहीं देते तब भी इनको OA की वैल्यू करंट मिलती है, और जब वोल्टेज देकर के वोल्टेज की वैल्यू पार्टी डायरेक्ट से बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक सर्टेन वोल्टेज पर करंट वैल्यू की वजह से फिक्स हो जाती है, उसके बाद भी करंट नहीं बढ़ती है, ठीक है। और ये करंट क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड करंट कहलाएगी, ये करंट क्या कहलाते हैं इसको सैचुरेटेड करंट कहेंगे, ठीक है। तो एक सर्टेन इंटेंसिटी के लिए ये आपके क्या होगा सैचुरेटेड करंट होगी, सैचुरेटेड करें ये आपका सैचुरेटेड करंट होगा। अब उसके बाद हम कहते हैं इंटेंसिटी अब चेंज कर दी, ये हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरा रहे थे, अब हम कहते हैं इंटेंसिटी जब डबल कर दी, इंटेंसिटी इन्होंने डबल कर दिया तो इन्होंने देखा कि ये करंट वैल्यू क्या हो जाती बढ़ जाती, करंट वैल्यू क्या हो जाती डबल हो जाती, जैसे कोई था हाँ अब इतना हो जाए करंट वैल्यू पहले से ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह अगर हम डेंसिटी 2i कर देते हैं तो करंट भी हमारा जो है पहले का 2 टाइम्स हो जाता है, हां लेकिन कट ऑफ वोल्टेज वही रहता है, कट ऑफ वोल्टेज क्या रहता है जो पहले था वही रहता है, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जो है ये करंट वो भी हो गया, करंट की वैल्यू क्या हो गई वो भी वही से वो भी हो गई करंट, अब वही था वो भी हो गया ना, तब क्या करेंगे फिर उन्होंने 3 टाइम्स कर दिया इंटेंसिटी तो देखा करंट 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस है ये अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोरिलेशन फॉर्म है, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर कैसे चेंज होता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इनको ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इनका रिजल्ट देख लीजिए, इनका रिजल्ट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ माने फोटोइलेक्ट्रिक रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, द 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 रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। आर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, आर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली
इंटेंसिटी ऑफ स्टूडेंट लाइफ, इंटेंसिटी ऑफ, ये आप अलग से लिखे, इसमें नहीं लिखना, इसके अंदर ना आप नीचे लिखना, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ, इसको लिखते चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। और क्या चीज को मिल रहा है कि इंटेंसिटी के बढ़ने पर कटा वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, कटा वोल्टेज क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा, नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ वोल्टेज क्या बता रहा है, एक्चुअली वो होता क्या है, जब हम जो है कोई वोल्टेज नहीं देते हैं तब भी हमको ओए के बराबर करंट मिले, ओ बी के बराबर करंट मिले, ऐसा क्यों, क्योंकि जब जो है व्हेन बिफोर एनर्जेटिक वेव्स ऑन प्लेट पी1, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द प्लेट पी1, प्लेट पी1 से क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और दिस फोटो इलेक्ट्रॉन हैव सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट due to their kinetic energy they reach plate P2, okay, or they plate P2 point, okay, okay, so current flow in the circuit without any voltage, कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अपने काइनेटिक एनर्जी से प्लेट P1 से प्लेट P2 तक पहुंच जाते हैं, ये वैक्यूम का सर्किट का जंप कर जाते हैं, वैक्यूम का पास जंप करके प्लेट P2 पहुंच जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि वैक्यूम का सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सेकंड बाइंड करते हैं, इसलिए बिना किसी वोल्टेज के करंट आपको वे हुए मिल रहे, क्योंकि एक्यूमुलेट ड्यू टू रीचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वैक्यूम का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती वो प्लेट P2 तक पहुंच सके, ठीक है, तो प्लेट P2 तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए क्या होता है प्लेट P1 के चारों में इकट्ठा हो जाते हैं, प्लेट P1 के चारों क्या होते हैं कलेक्ट हो जाते हैं, और कलेक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक क्लाउड बना लेते हैं, और इस क्लाउड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के इस क्लाउड को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पेस चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पेस चार्ज। तो इस नेगेटिव स्पेस चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती और अपने कम वेलोसिटी के से के कारण वो जो है ड्यू टू देयर स्मॉल वेलोसिटी दे आर अनेबल टू रीच प्लेट P2 ना, लेकिन जब हम प्लेट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं स्मॉल वेलोसिटी दे देते हैं तो रिजल्ट P2 की क्या क्या हो जाता है, वो तो पॉजिटिव वोल्टेज हो जाता है और P1 को नेगेटिव वोल्टेज मिल जाता है, पहले उसमें इसको क्या मिला था नेगेटिव वोल्टेज मिला था, इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिला था, तो आपको एक फील्ड मिल गई थी इधर, बताइए फील्ड में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होता है फील्ड के अपोजिट होता है, मतलब प्लेट P2 की ओर फोर्स है, क्योंकि प्लेट P2 के पॉजिटिव है, प्लेट P2 क्या पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए प्लेट P2 ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 से खींचेंगे, प्लेट P2 क्या होंगे खींचेंगे ना, और रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव स्पेस चार्ज में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम वेलोसिटी है वो प्लेट P2 से खींच लिए जाएंगे, और इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट प्लेट P2 इंक्रीजेस, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं प्लेट P2 की वैसे वैसे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, सो इलेक्ट्रॉन हैविंग लो एंड लो वेलोसिटी आर एक्सीलरेटेड बाय प्लेट P2 एंड दे बिकम एबल टू रीच प्लेट P2, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ने लगता है, इसलिए कम से कम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन भी प्लेट P2 पर पहुंचने लगते हैं, और एक सर्टेन वोल्टेज पर जैसे इस वोल्टेज पर क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब खाली वो प्लेट P2 से खाली फ्री हुआ उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं जीरो वेलोसिटी है वो भी प्लेट P2 से खींच लिया जाता है, वो प्लेट P2 से क्या होता है खींच लिया जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है कि आप नेगेटिव स्पेस चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो प्लेट P2 पहुंच जाएंगे, अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई ना, अब वोल्टेज बढ़ाइएगा तो प्लेट P1 के में के चारों तरफ नेगेटिव स्पेस चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तुरंत यहाँ पहुंच जा रहा है, इसलिए अब वोल्टेज के बढ़ाने से करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट द प्लेट P2 आर नॉट चेंज आफ्टर दिस वोल्टेज, इस पॉजिटिव वोल्टेज इस वोल्टेज के बाद जो है प्लेट P2 पर पहुंचने चारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए फोटोलिटिक करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस करंट को आप क्या कहते हैं।
सेचुरेटेड करंट है, ठीक है। अब जब हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, जैसे एक केस आपका नेगेटिव वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज कर दिया है ना, अब ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया है और ये पॉजिटिव हो गया, तो अब क्या होगा बताओ, फील्ड डायरेक्शन इधर हो गई, फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया इधर हो गया ना, फील्ड की डायरेक्शन अब इधर हो जाएगी, तो अब इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा है, इसको प्लेट बी टू पर पहुंचने से कट बह रही, लेकिन अब फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, अब इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ, रिपेल हो गए, इलेक्ट्रॉन बी टू क्या हो गए, क्योंकि ये प्लेट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव प्लेट बी टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, दोनों पे रिपल्सन लगेगा, तो प्लेट बी टू क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, इधर जो ना इधर नहीं जाने देगा, ठीक है। जब इधर इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम वेलोसिटी है वो प्लेट बी टू पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए करंट वैल्यू कम हो गई, करंट वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब नेगेटिव वोल्टेज जब बढ़ते जा रहे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा एनर्जी थी वो भी रोक दिए जाएंगे, प्लेट बी टू से और नेगेटिव करिएगा तो फील्ड और बढ़ जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स और बढ़ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन भी प्लेट बी टू से रोक दिए जाएंगे। एक सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो भी रिपेल कर दिए जाएंगे, प्लेट बी टू से क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, जब वो भी रिपेल हो जाएंगे तो प्लेट बी टू को नहीं पहुंचेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा बताओ, नो करंट फ्लो, जब प्लेट बी टू को इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव वोल्टेज पर बी जीरो नेगेटिव वोल्टेज पर कट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज पर बी टू प्लेट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए करंट फोटोलिटिक करंट वैल्यू क्या होगी, जीरो, फोटोलिटिक करंट वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो कट ऑफ वोल्टेज इज दैट नेगेटिव वोल्टेज आई टू इज इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर स्टॉप्ड बाय द प्लेट बी टू, सो नो फोटोलिटिक करंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में कोई भी फोटोलिटिक करंट नहीं बहती है, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या करेगी, कट ऑफ वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है, या स्टॉपिंग वोल्टेज भी कहलाता है, क्योंकि ये करंट को स्टॉप कर दे रहा है, इसलिए इसको स्टॉपिंग वोल्टेज या करंट को बंद कर दे रहा है, इसलिए कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। तो दैट नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड एट प्लेट एट एनोड प्लेट व्हिच स्टॉप द व्हिच रिपेल द इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो फोटोलिटिक करंट इन द सर्किट बिकम जीरो, इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज आर स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह की वोल्टेज की डेफिनेशन ले लीजिए, कट ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी बताओ, कट ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन क्या बनी है, नेगेटिव वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज डेफिनेशन लिखिए, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड एट द एनोड है, which stop photoelectron which stop photoelectrons having maximum kinetic energy, so photoelectric current becomes zero. So photoelectric current becomes zero. लिखते चलिए, so photoelectric current become zero. Photoelectric current become zero. कट ऑफ वोल्टेज
इधर मिटा दें हाँ तो कट ऑफ वोल्टेज मेजर अकॉर्डिंग आई गया इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी ना तो इस कट ऑफ वोल्टेज मेजर मैक्सिमम अकॉर्डिंग आई गया मिटेड वोल्टेज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रॉन ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा के मैक्सिमम इज इक्वल टू ए इनटू बी जीरो ए इनटू बी के मैक्सिमम को लिखते हैं ए इनटू बी जीरो ठीक है ये बोल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन ए इनटू बी जीरो तो अब उसके बाद देखें ये तो हो गया डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है अब फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करेगा अगर हम जो है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं चेंज करें तो क्या कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चीज पढ़ेंगे तो डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नेक्स्ट लेक्चर डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ठीक है।